कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा के संगम तट पे बलिया में स्नान का पुराणों में वर्णन है। पुराणों काल से महर्षि भृगु जी के समय से ये स्नान प्रारंभ हुआ है और जिस तरह से प्रयाग में कुंभ का महत्व है, जिस तरह से उज्जैन में कुंभ का महत्व है, उसी तरह से पुराणों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बलिया के स्नान का वर्णन है। तो बलिया के गंगा के स्नान करके लोग कुंड के भागी बनते हैं और केवल बलिया के ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, देश और दुनिया के लोग भी आते हैं यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के लिए, और वहाँ से बाबा भृगु को दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं और बाबा बालेश्वरनाथ को भी लोग दर्शन करते हैं। ये परंपरा बरसों से मैंने पुराणों काल से मैंने महर्षि भृगु जी ने इसको प्रारंभ किया था तब से ये चल रहा है और लोग पुण्य के भागी बनते हैं। आज बलिया में कल शाम से ही और अभी तक आप जो है 2 बजे तक आप देखेंगे इसी तरह का रेला लगा रहेगा। 10 किलोमीटर तक लोग पैदल चल रहे हैं। गंगा घाट का कोई जो जगह नहीं बची जहां पर लोग जो है स्नान न करें। प्रशासन ने बहुत चुस्त व्यवस्था किया है जिसके कारण जो है ये 10 किलोमीटर लंबी जो है लोगों का हुजूम लगा हुआ है। तो सभी जगहों पर यहाँ के समाजसेवी संगठन के लोग भी, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी, जगह जगह पंडाल लगा करके सेवा शिविर लगाए हुए हैं और श्रद्धालुओं को किसी तरह की तकलीफ न हो इसके लिए जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। पूरा पुलिस फोर्स लगी हुई है। जिला अधिकारी स्वयं कई बार जो है निरीक्षण कर चुके हैं। उनका एक अलग कैंप लगा हुआ है और बहुत ही शांतिपूर्वक जो है स्नान का ये कार्य संपन्न हो रहा है। देखा गया कि पहली बार आपके द्वारा कई जगह भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए? लोगों की काफी चर्चाएं रही है। नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो भी हम लोगों ने कहा था कि सभी लोग पहले से भी करते थे, लेकिन हम लोग उसको कहेंगे थोड़ा और अच्छे से इस बार जो है करिए, और अगली बार से हम लोग और भी चाहेंगे, सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि सरकार जिस तरह से कुंभ को दर्शन के लिए महीनों से तैयारी करती है, बलिया में भी इतना बड़ा स्नान होता है, इसको भी सरकारी स्तर पर भी इसके लिए पूर्व में ही कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे जिला प्रशासन मैंने स्थानीय स्तर पर सब कुछ करता है, लेकिन सरकार को भी, प्रदेश सरकार, देश के सरकार को भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्नान है, इसको सरकार अपने नियंत्रण में लेकर के और भी सुविधाओं का भी मैंने इजाफा करे तो यात्रियों को और ज़्यादा सुविधा हो।